नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया समाचार में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी और कुछ अहम खबरों से। अयोध्या राम मंदिर के मुकदमे के फैसले का एक वर्ष 9 नवंबर को पूरा हो रहा है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया था। अयोध्या में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दिया है। डीआईजी दीपक कुमार ने 9 नवंबर को आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया है। दीपक कुमार का कहना है कि अयोध्या में किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। यदि कोई कार्यक्रम आयोजित होना होगा तो उसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा। बिना परमिशन अगर कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। डीआईजी दीपक कुमार का कहना है कि कोविड-19 को देखते हुए तथा कानून व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बिना अनुमति किसी तरीके का कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। अयोध्या में रामा दल ट्रस्ट द्वारा 9 नवंबर को राम मंदिर के फैसले के एक वर्ष पूरा होने पर सरयू तट पर दीप जलाने का कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया गया था। उसके बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम 9 नवंबर को आयोजित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और संगठन भी 9 नवंबर को अयोध्या मस्ते के फैसले को लेकर पक्ष और विपक्ष के कार्यक्रम करना चाहते थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन के खुफिया तंत्र सक्रिय हुआ। वहीं 9 नवंबर के बाद 13 नवंबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रामलला के दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, रामलला में दीपक जलाकर दीपावली मनाएंगे। उसको भी देखते हुए अयोध्या की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, जिला प्रशासन ने इस तरह का निर्णय लिया है। गत वर्ष 9 नवंबर के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश अयोध्या जी के राम मंदिर के संदर्भ में आया था। उस आदेश का एक साल पूरा होने जा रहा है। इस क्रम में कुछ फ्रिंज एलिमेंट समाज के, जो कि इस बात को कह रहे हैं कि 9 तारीख को किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम करने वाले हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए बिना परमिशन यदि किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम अयोध्या जी में किया जाता है तो ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैंने अलग अलग समूहों से इस संबंध में वार्ता भी की है और लगभग सभी समूह ने इस बात को माना है कि किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम यहां पर नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि किसी के द्वारा कोई प्रोग्राम यदि किया जाता है जो कि बिना परमिशन के किया जाएगा, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किया जाएगा, तो ऐसे तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा विहित आईपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी।